10 मिनट में तैयार होने वाला ये ट्राउजर आपको कहीं नहीं मिलेगा। मांग के पहना है अपनी बहन से, आप लोग देख सकते हैं। ये मेरा ना तो ये मेरा ड्रेस है और ना मेरा खुस्सा है, ठीक है। चले जिन्नी शोखियां मारनी सी मैं मार लें। वीडियो उम्मीद करती हूँ आप लोग सब सही होंगे। जो काफी दिनों बाद मैं एक ये ड्रेस लेकर आई हूँ, कटिंग और स्टिचिंग का सफायर का मेरे पास ड्रेस है। तो मैं आपको, आप लोगों ने बोला था, आप लोगों की डिमांड्स थी कि साइड सिलाई जो आती है पैंट पजामे में किसी में भी, मैं हर मतलब साइड की सिलाई देती हूँ, बहुत अच्छा उसका शेप आता है। लेकिन उस सिलाई के बगैर मैं आपको बताऊंगी कि ट्राउजर कैसे स्टिच करना है। वो मैं कहती हूँ 10 मिनट में स्टिच होने वाला ट्राउजर है और उसकी कटिंग तो बहुत ही इजी है। आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी है, जरा से भी मिस नहीं करनी। चले अब उसकी कटिंग और स्टिचिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास एक ट्राउजर था जो बॉर्डर बना हुआ है ना ट्राउजर का, नीचे पांचों पे इसी तरह की ऑल ओवर फ्रंट शर्ट है और बैक प्लेन है, ठीक है। ट्राउजर की मतलब नीचे जो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है ये 15 से 18 इंच पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। तो मैं साइड सिलाई के बगैर आपको ये ट्राउजर स्टिच करना बताऊंगी, ठीक है। और सबसे पहले आपने ना इस तरह दिया हुआ था, एक पाइंचा अलग था और एक पाइंचा अलग था, दो पीसों में ये ट्राउजर का फैब्रिक दिया हुआ था, ठीक है। इस तरह आपने फोल्ड करके अच्छे से इसको एक दूसरे के ऊपर रख लेना है। उसके बाद आपने ये करना है कि आपने अपना ट्राउज़र लेना है, ट्राउज़र की मेजरमेंट करनी है। और मेजरमेंट आपने कैसे करनी है, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि 4 साइज होते हैं इसके ना पूरे ट्राउज़र के। ये ट्राउज़र मैंने श्रिंक नहीं किया था, मैं बहुत कम कपड़े श्रिंक करती हूँ, जैसे खद्दर का हो गया वो श्रिंक करती हूँ या लीलन करती हूँ, ठीक है। ये लॉन में ज़्यादा नहीं करती, मुझे ऐसा लगता है कि ना वॉश करने से, श्रिंक करने से ना इसकी फिनिशिंग उड़ जाती है, इसकी शाइन उड़ जाती है कपड़े की। तो ये ट्राउज़र मेरा लूज़ में था, लूज़ पैंट ट्राउज़र था, बहुत ही कमाल का ये स्टिच हुआ था। इसकी भी वीडियो का लिंक मैं ऐड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी फ़िटिंग आई थी। तो जी ट्राउज़र का नाप लेने के लिए सबसे पहले हम लेंथ लेंगे, 37 लेंथ है ट्राउज़र की और 10 इंच का ये इसका बॉटम है ट्राउज़र का। और ये थाइज़ आप देखेंगे 14.5 है, तो हम 13 इंच लेंगे, मतलब थोड़ा सा फिटिंग में रखेंगे, लूज़ में था। और जो आसन है वो 12.5 है तैयार, ठीक है। इसको मैं लिख लेती हूँ कि क्या क्या साइज़ था, चारों चीज़ें मैंने लिख ली थी। और इस तरह आपने कपड़ा अपने ट्राउज़र का बिछा के आपने ये करना है, नीचे से जो फोल्डिंग का है ना वो मैं अभी नहीं दूंगी, वो मैं एक्स्ट्रा कपड़ा अलग से जोड़ लगा के फिर अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी नीचे से पाइंचा, ठीक है। कपड़े की काफ़ी बचत हो जाती है ना, इसलिए मैं अलग करती हूँ। जी सबसे पहले 37 लेंथ थी तो उससे 2.5 इंच बढ़ा के मैं ऊपर से रखूँगी, क्योंकि 1/2 इंच नीचे से सिलाई में जाएगा और 2 इंच का ऊपर से फोल्ड होगा। थाइज़ जो है मैंने 13 रख ली थी, जितनी थाइज़ होगी उससे ऊपर आपने 11 इंच का रखना है, 2 इंच कम करके यहाँ भी 11 इंच का निशान लगा लेना है। इस तरह आपने स्ट्रेट लाइन लगानी है, स्ट्रेट लाइन लगा के जब वॉइस ओवर करो ना इतना गला ख़राब होता है, तो आपने इस तरह गोलाई बना लेनी है आसन की, जिस तरह मैंने आपको बताया था। और फिर ये है कि उसके बाद आपने ट्राउज़र का बॉटम देखना है कितना था, 10 था तो मैं 11 इंच पे निशान लगाऊंगी, 1 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा रखना है जो कि सिलाई में लेना है आपने। और फिर यहाँ से आपने पूरा इसके बॉटम से आसन तक ऐसे मैच कर लेना है आपने, इस तरह आप कटिंग कर लिएगा। अच्छा ट्राउज़र की बैक साइड जो है वो मैं ऊंची रखती हूँ ना, मतलब 2.5 इंच ज़्यादा रखती हूँ बैक साइड जो है ना फ्रंट साइड से, ये यहाँ से। तो मैंने इसकी प्लेन स्ट्रेट ही कटिंग किया था ताकि आपको बहुत इजी लगे ट्राउज़र। लेकिन आप इस तरह का भी एक ट्राउज़र स्टिच करके लाजमी पहनिएगा ताकि आपको इस ट्राउज़र की कटिंग में और पहले जो स्टिच करती हूँ मैं उसमें आपको कटिंग में फ़र्क दिखेगा पहने हुए। फिर आप मुझे बताइएगा कि कौन सा एकदम परफेक्ट। अच्छा ये जो मैंने कटिंग दी थी ना, ये मैंने 1.5 इंच बढ़ा के कटिंग दी थी क्योंकि ये बैक साइड की थी और जो मैंने निशान लगाया हुआ है वो फ्रंट का निशान है। इस तरह आपने कटिंग करना है, इस तरह खोल के आपने फिर फ्रंट की कटिंग देनी है गहराई की। ये देखें यहाँ पर ऐसे आपने खोल के इसको बिछा लेना है कपड़े को। एक साइड तो हो गई ना वो बैक की कटिंग, अब ये फ्रंट की कटिंग आपने ऐसी गहराई में देनी है।
चलें, कटिंग हो गया था। अब इसको खोल के देखते हैं कि किस तरह सिलाई करना है और कहाँ से करना है। इस तरह आपने एक पांचा इस तरह रखना है और दूसरा उसके सामने इस तरह रख लेना है, और इन दोनों को मैच करके ये ऐसे इस तरह आपने यहाँ सिलाई देनी है। दोनों तरफ से आपने स्टिच कर लेना है, यहाँ से भी और दूसरी साइड से भी। फिर इसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। इसके बाद आपने सिंपल ऐसे नेफा फोल्ड कर लेना है। मैंने आपको जैसे बताया था, यहाँ सिलाई लगानी है आपने और दूसरी साइड पे यहाँ आपने सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, अब इसको आपने ऐसे खोलना है। ये देखें, ये इसका फ्रंट है ऊपर का, और इस तरह आपने सिंपली इसका नेफा बना लेना है। ये फ्रंट साइड है जिसकी हमने गहरी कटिंग की थी। यहाँ प्लेट डाल लें जिस तरह मैंने आपको बताया हुआ है, और फिर बाद में इसका नेफा बना लें। तो मैंने ये ट्राउज़र का इस तरह से नेफा बना लिया था जिस तरह मैंने आपको बताया है। पूरे राउंड में मैंने बनाया है ना, कोई बेल्ट का चक्कर मैंने नहीं रखा। और ये लूप्स मैंने साइड पे लगा लिए थे हैंग करने के लिए। मतलब मैं ये हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि मैं हैंग करने के लिए लगाती हूँ लूप्स, मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं ये। और आप लोग फिर भी पूछते हैं कि किस लिए किस लिए किस लिए। मैं वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ हर चीज़, तो अब आप लोग वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको पता लगेगा ना। तो जी, इस तरह ट्राउज़र के बॉटम पे मैं ये पैच लगा लूँगी। पैच इन्होंने दिया हुआ था, पैच जो है इनकी, इसकी फोर लाइंस इन्होंने दी हुई थी इस तरह की, जो कि दो मैंने शर्ट पे लगवाई हैं और दो जो हैं ट्राउज़र में। तो बीच से ये इस तरह कटिंग करके मैं तुरपाई ही करूँगी। मतलब मुझे सिलाई नज़र आती है, मुझे बहुत बुरी लगती है ऑर्गेन्जा के ऊपर ख़ास तौर पर। इस तरह आपने फोल्ड करके इस तरह लगा लेना है, बाहर की तरफ आपने तुरपाई करनी है इस तरह ना। मतलब सिर्फ ट्राउज़र के बॉटम पे ही इस तरह मेहनत हुई थी, वरना तो बहुत इजी है। ये सिलाई लगाना चाहें सिलाई लगा लें। ये धागा जो है ना, इसका थ्रेड जो था बहुत शाइन कर रहा था, तो मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था। इस तरह आपने सारी तुरपाई कर लेनी है। तो ये जी हो गया था हमारा सूट तैयार। तो ये मेरा ट्राउज़र हो गया था रेडी, जिस तरह मैंने आपको बताया था वैसे ही स्टिच करना है आपने, ठीक है। और इस्त्री जो है थोड़ा सा सही नहीं हुआ क्योंकि एम्ब्रॉयडरी हुई हुई इसकी। और ये है कि ये बिल्कुल सेम वैसा ही स्टिच हुआ है जैसा मैं आपको बताती हूँ। बस सारा सा 19-20 का तो फ़र्क होता ही है। जिनको बहुत ईजी ट्राउज़र स्टिच करना है वो ये वाला ट्राउज़र स्टिच कर सकते हैं, और आपने आयरन वैसे ही करना है, थोड़ी सी ट्रिमिंग करने की रह गई है। तो ये है ट्राउजर, ट्राउजर कुछ इस तरह से स्टिच हुआ हुआ है। ये देखें, ऊपर से भी मैंने सेम वैसा ही स्टिच किया है, और ये इलास्टिक जो है मैंने फुल राउंड में लगा दिया है, सही है। और जी आ जाते हैं इसकी शर्ट की तरफ। शर्ट ये है इसकी शर्ट। शर्ट जो है मैंने इसकी स्टिचिंग कटिंग नहीं दिखाई क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था, हमें लाहौर जाना था, तो मैंने ये टेलर को दे दिया था स्टिच करने, और उसको मैंने डिजाइन पूरा बता दिया था कि आपने किस तरह स्टिच करना है। तो ये है इसकी लुक, जो कि स्लीव्स में ये बॉर्डर लगवाया था मैंने, इसके साथ ये बॉर्डर दिया हुआ था। ये अनस्टिच शर्ट थी, तो ये इसके साथ चार पैच दिए हुए थे इस तरह के ना, इन्होंने एम्ब्रॉयडर्ड। और ये है कि चार जो थे, एक मैंने यहाँ लगवाया, एक यहाँ लगवाया, ठीक है, और ये ट्राउज़र में और स्लीव्स में दो को डिवाइड करके लगा लिया था, ठीक है। और आ जाते हैं इसके नेक डिज़ाइन की तरफ। नेक डिज़ाइन का मैंने उसको बोला था कि आपने लूप्स बना के ना फिर लगाने, और उसने क्या किया, बाज़ार से ही ले लिए ये डोरियाँ और उसी में ही एडजस्ट कर दिए। मतलब मेरा बिल्कुल डिफरेंट डिज़ाइन था जो मैंने उनको देना था, जो दिया था, जो मैंने बताया था, उससे हट के बिल्कुल स्टिच हुआ है। यही होता है ना, इंसान खुद स्टिच करे उसकी अलग ही बात होती है। और ये है इसका बैन, और ये पता नहीं क्या किया है, मुझे लग रहा है कि गलत कटिंग हो गया होगा जिसकी वजह से जोड़ पीछे आया है। ये देखें बे यार क्या कर दिया। तो बस यही है कि आप खुद स्टिच करें तो उससे बेहतर कोई भी आपकी चीज़ें स्टिच नहीं कर सकता। ये पता नहीं क्या करके दे दिया है, गुस्सा आ रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। और जो नेक डिज़ाइन है वो भी मेरा डिफरेंट था। तो ये है कि प्यारा लग रहा है, फिनिशिंग तो है। और इसकी साइड्स जो हैं मैंने फोल्ड करवाई थी, तुरपाई करवाई थी, मैंने कहा स्टिच जो है नज़र आएगा तो बेहतर यही कि तुरपाई ही होनी चाहिए।
चले जी अब आ जाते हैं इसके दुपट्टे की तरफ। ये इसका दुपट्टा फुल प्रिंटेड है और ये ऑर्गेन्जा का सॉफ्ट सा है कोई ना फैब्रिक। तो ये है पूरा ड्रेस, इसकी मैं जो कि आपको डिटेल बता चुकी हूँ, जिसकी मैंने आपको डिटेल बताई थी। अब मैं वो आपको पहन के दिखाती हूँ कि उसकी लुक वो कैसी आ रही थी। वो मेरा ड्रेस नहीं है टू बी ऑनेस्ट, वो मेरी बहन का है। तो मैं यहाँ आई थी, वो कहने लगी आप मेरा सूट सी दो, मेरे पास इतना टाइम नहीं था। ट्राउजर मैं स्टिच कर चुकी थी, आप लोग की डिमांड्स आ रही थी कि मुझे हमें साइड सिलाई के बगैर ट्राउजर चाहिए, तो मैं उसके बगैर आपका ट्राउजर लेकर आई हूँ। तो अब मैं पहन के दिखाती हूँ वो ड्रेस। तो जी ये थी मेरी फाइनल लुक। इतना का प्यारा ये ड्रेस लग रहा है, जो मैंने आपको कटिंग स्टिचिंग बताई थी एग्जैक्ट आपने वैसे ही स्टिच करना है। ये ट्राउजर ये देखें, बहुत प्यारी इसकी फिटिंग आई है और आयरन आपने वैसे ही करना है जितना पैंट पजामा किया जाता है, ठीक है। और ये है इसकी साइड की बे और फुल स्लीव्स मैंने रखी थी और आप लोग देख सकते हैं कि दुपट्टा कितना प्यारा लग रहा है बिल्कुल हटके। और ये मैंने खुद सा पहना था, खुद सा भी मांग के पहना है अपनी बहन से, आप लोग देख सकते हैं। ये मेरा ना तो ये मेरा ड्रेस है और ना मेरा खुस्सा है, ठीक है। चलें जिनी शोखियाँ मारनी सी मैं मार लें। चलो अब पैसे पूरे हो गए, हूँ मैं इन्हों उतार दवा। आप लोग ना इसको ऊपर करके ऐसे ब्लॉक ट्राउज़र भी बना सकते हैं और नीचे करके लॉन्ग ट्राउज़र, ये देखें। अगर आप लोग मेरे न्यू व्यूवर्स हैं जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बहुत सारी आपको न्यू वीडियोस डिज़ाइन कटिंग और स्टिचिंग मिलने लगी है। और आपको कहीं भी इधर उधर से एक एक चीज़ एक एक क्लिप उठाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग अपना सूट निकालें और वीडियो खोल के उसको कॉपी पेस्ट कर दें। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब लास्ट भी कर दिए, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ मिल सकें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।